गाइस, दिस इज मर्शिका. वेलकम बैक टू माय चैनल. वेलकम बैक टू एक और प्यारा सा न्यू व्लॉग. सो भाई, अभी आज क्या है ना, देखो, एक तो मेरी आंखों में भरी हुई है नींद, बिकॉज अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है. भाई, इस टाइम पे दुनिया सो रही होती है. मतलब सैटरडे संडे तो सब रेस्ट ही करते हैं ना, लेकिन क्या करें, हमारे घर में एक ऐसा प्राणी मौजूद है जिसको बाहर जाना ही जाना है. सो अभी इसने बस जिद पकड़ ली है, फिर से कल जिद पकड़ी थी, जो करना था करके माना, अभी आज जिद पकड़ ली है कि नहीं, बाहर चलते हैं, पूरा दिन निकल जाएगा घर में, मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा. तो अभी मैंने सोचा कि यहाँ पास में ना एक छोटी सी फर्नीचर मार्केट है कृष्णा नगर में, मुझे कुछ रैंडम सा फर्नीचर घर के लिए देखना था, कुछ छोटी छोटी चीजें. सो एक बार वही एक्सप्लोर कर आते हैं, बिकॉज अभी आज मौसम भी ठीक ठीक बना हुआ है, उतनी ज्यादा धूप नहीं है. सो हम वहीं जा रहे हैं कृष्णा नगर. बाकी देखते हैं, कुछ अच्छा वैल्यूएबल और ठीक ठाक प्राइस में मिल गया तो लेकर आएंगे, आपके साथ भी शेयर करूंगी. और अगर नहीं मिला तो कुछ खा पी के घूम फिर के वापस आ जाएंगे. लेकिन ये सब इस जिद्दी इंसान की वजह से होता है. देखो गाइस, जिसको नहीं जाना है वो मत जाए. मतलब तू जाएगा जाएगा? मैं कहने का बोला मैं जाऊंगा. तूने ही कहा अभी कि जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए. मतलब इसका मतलब नहीं जाएंगे बोला? नहीं, हम नहीं जाएंगे तो कभी होता ही नहीं है. ये इतना तेज है, पूरा तैयार है, जूते शूते पहन के पूरा तैयार है. आपको लगता है कि अभी इतना रेडी होने के बाद ये बोलेगा कि नहीं नहीं तू रह ले और मैं चला जाता हूँ? ये मुझे लेकर ही जाएगा हर जगह, जहां पे भी जाएगा. ठीक है, अभी निकलते हैं फटाफट से. हम स्कूटी से जा रहे हैं? नहीं नहीं, ट्रक है ना पीछे खड़ी है, ट्रक में बैठ के जाएंगे. ट्रक की नहीं है, वो जो हेलमेट तू जो मुझे पहनाएगा यार, लिटरली वो हेलमेट को मैं तुम्हें दिखाऊंगी ना. एक दो हेलमेट है इसके पास, ठीक है. एक है सही वाला, एकदम मतलब पक्का बढ़िया वाला, वो ये खुद पहनता है. और मुझे दे रखा है एक ऐसा हेलमेट, मैं अगर तुम्हें दिखाऊंगी ना, मेरे सर से भी छोटा है वो. अरे, वो स्कूटी के साथ दिया था उसने, स्कूटी के साथ दिया था तो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट. वो मेरे सर से भी ज्यादा छोटा है, मैं किस प्रकार पहनूं उसे? तू पहन के दिखा आज उसे, चल जा. बहुत टाइट होता है. नहीं दिखाना एक बार, फिर तुझे मेरे दुख का भी तो आइडिया हो जाना चाहिए ना. और रिमोट कंट्रोल कार ले ली है, लेकिन उसको खेलने का कोई मतलब नहीं है. खेल तो लिया मैंने, क्या पकड़ के बैठा रहूं मैं? देखो देखो आज घर की हालत क्या हो रखी है. वो हेलमेट दिखाती हूँ मैं, रुको. ऐसा महान हेलमेट है वो, ऐसा महान हेलमेट है. एक तो ये है, पता नहीं ये किसका टूटा हुआ हेलमेट है. यही है वो जो मेरे सर पे तंबूरा आएगा. यस, हे भगवान. इसको पहन के दिखा, इसको पहन के दिखा, ये कितना खूबसूरत है. गाइस देखना यार, ये आएगा नहीं. हाँ हाँ नहीं, तो मेरे पे कैसे आ जाएगा? मेरा सर तो तेरे अकॉर्डिंग तेरे सर से बड़ा है. पहन पहन. नहीं आ रहा. पहन ना. नहीं आ रहा. मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ पहनने से. मैं नहीं पहन सकता. अंदर गंदा भी हो रखा है तब भी मुझे पहनाएगा ये. मतलब मैं बिल्कुल ही गई गुजरे लोगों में से हूँ इसके लिए. ठीक है बेटा, तू लेके जा रहा है, कोल्ड कॉफी पिलाएगा? यस. चल ठीक है, चल हेलमेट दिलवा. चल ठीक, हेलमेट दिलवा दूंगा. और जरूर दिलवा दिया तूने हेलमेट. और खुद का तो बिल्कुल ही, खुद के हेलमेट में तो कुछ है ही नहीं. ये क्या है? ये उसका टूट गया. तो खाली इसको ऐसे पहन के चल, ऐसे. ठीक है, ऐसे. तो अभी निकलते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या कुछ. वैसे वहां पे ना अंदर शॉप्स में ज्यादा शूट करने नहीं देते, क्योंकि जब मैं अपनी शादी का फर्नीचर लेने के लिए गई थी ना, तभी भी ऐसा ही हुआ था, कुछ शूट नहीं करने दिया था. कोशिश करूंगी अगर थोड़ी बहुत क्लिप तुम्हें दिखा पाऊँ अंदर की, अदरवाइज जो भी हम बाहर थोड़ी बहुत तफरी काटेंगे देख लेना. कैजुअल सा नॉर्मल सा रैंडम व्लॉग होने वाला है, पहले ही बता रही हूँ, बिकॉज कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कोई प्लान हमने कर नहीं रखा. बस हम जा रहे हैं अपने टाइम पास के लिए और एक इंसान की जिद पूरी करने के लिए. ये दिस वन. और ये देखो, ये बेचारी दो रैक आई है मेरी, ये रैक की वीडियो अभी तक नहीं बनी, मार डालेगी वो स्पॉन्सरशिप वाली बंदी. अगर मैं इसके ऊपर एक पैर और इसके ऊपर एक पैर. अच्छा नहीं, इसके ऊपर एक पैर, और उसके बाद जो इसकी ब्रांड वाले मेरी ब्रांड बजाएंगे उसका क्या? क्रेडिबिलिटी खराब होगी उसका क्या? मैं मेहनत करके धीरे धीरे इतना कुछ बना रही हूँ, और तू है कि इसके ऊपर पैर. ठीक है, रखियो पैर, रख के दिखा, हिम्मत तेरी. दूर से फोटोशॉप कर दूं, ऐसा लगेगा कि पैर सच में रखा है. बिल्कुल करियो जरा, देख. कर. तू मेरे पैर पे फोकस रख. हाँ हाँ बिल्कुल. लग रहा है ना? जय हिंद. सुधर जा. तो गाइस, ये तो मौसम की भगवान जी ने काफी अच्छा कर दिया है, देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल धूप नहीं है. और अभी हमारी यही कोशिश रहेगी कि भैया ये गर्मी दोबारा से पड़ने से पहले पहले हम लोग अपना जो भी करना है काम करके आ जाएं. फटाफट से नोनू स्कूटी निकाल रहा है, गाड़ी से नहीं जा रहे, क्योंकि कृष्णा नगर में बहुत घिच्चा पिच्ची होती है, गाड़ी ले गए तो फंसी जाएंगे, इसीलिए हम स्कूटी से जा रहे हैं. हेलमेट का देखेंगे. मैं सोच रही हूँ आज एक न्यू हेलमेट ले ही लूँ, बिकॉज हेलमेट ना होने की वजह से ना हम थोड़ा दूर दूर नहीं घूम पाते. इसके पास तो है, मेरे पास नहीं है. अब मैं देखूंगी अगर कोई हेलमेट मुझे मिल जाए.
ये देखो सवारी झंडा पहन लिया। ये मेरी छुटकू सी धनो नहीं है, ये जुपिटर का जे लगवा लिया इस तरफ का क्यों गया गाइस। ये देखो दिस इज यूपिटर, इससे ये भी नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ एक छोटी सी दुकान मिल गई है, यहाँ पे रुके हैं, देखते हैं यहाँ पे है या नहीं, नहीं तो अंदर जाकर देखते हैं। कितने का ये? 200 का। साइज ठीक है? और भी तो है होंगे ना, सेफ नहीं होता बस। गाइस ये तंबूरा खरीदा है मैंने, ये इसने दिलवाया ब्लैक कलर का, एक पिंक कलर का भी था, कह रहा ले ले। मैंने कहा बच्ची थोड़ी हूँ कि पिंक देख के अट्रैक्ट हो जाऊंगी। स्टील वर्ड का था वो, ये भी स्टील वर्ड का ही है, स्टड का। हाँ बढ़िया लग रहा है ये पहनते हैं। सो गाइज यही है वो कृष्णा नगर की छोटी सी फर्नीचर मार्केट जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हर तरीके का फर्नीचर अवेलेबल है। अंदर रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था तो अंदर नहीं शूट कर पाई, देखते देखते फिर हमें भूख लग गई। पास ही में सागर रत्न रेस्टोरेंट था, हम वहाँ गए बिकॉज प्रशांत ने यहाँ का डोसा ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा उसे आज ट्राई करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम्बियंस बहुत सूदिंग था, साथ ही साथ में इनके फ्लेवर्स भी बहुत अमेजिंग है। फिर हम घर वापसी के लिए निकल पड़े, ये तंबूरे जैसा हेलमेट मुझे पहनना पड़ा। घर आ गए, घर आने के बाद मेरी हो गई तबियत खराब। सो गाइज दिस इज डे टू, जिस दिन हम मार्केट गए थे उसके अगले वाला दिन, दैट इज मंडे। और भाई पता नहीं कल तो वहां से आने के बाद घर का खाना ही खाया था रात को, लेकिन तब भी रात को अचानक से ना मुझे थोड़ा ऐसे मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा और उसके बाद वॉमिट कर दी। अब सुबह सुबह जब उठी तो गला पूरा जाम था, इतनी खराश लग रही थी बहुत ज्यादा। अभी भी बहुत यहाँ पे पेन है, तो मैंने ना विक्स अप्लाई कर लिए और सिनारेस लिए बिकॉज मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा दर्द सा हो रहा है अचानक ही, और फीवर जैसा भी फील हो रहा है। सो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ दोबारा, बिकॉज घर तो सारा साफ हो गया है, देख सकते हैं आप घर पूरा क्लीन हो चुका है। आंटी आई थी सारा काम करके चली गई, लेकिन अभी मेरी बॉडी ना बहुत ज़ोर से रेस्ट मांग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर सो जाऊँ बिकॉज अभी 12 बज रहे हैं। एक घंटा भी सोंगी तो अच्छा लगेगा, फिर जाकर नहा लूंगी बिकॉज मेरे से नहाया ही नहीं गया सुबह से, इतनी ठंड सी लग रही है, अजीब सा लग रहा है। ऑल दो मैंने कफ सिरप वगैरह सब ले लिया, मौसम बदल रहा है बिकॉज अब ठंड आने वाली है, तो धीरे धीरे करके ऐसे ही होगा भाई। तो आप लोग भी इस वेदर में अपना ज़रूर से ध्यान रखो बिकॉज यही टाइम होता है जिसमें तबीयत सबसे ज़्यादा बिगड़ती है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसा सही हो रहा है। सो अभी मैं रेस्ट करती हूँ, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। और छोटा सा नॉर्मल सा रैंडम सा व्लॉग बनाया था, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखो एंड प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ बिकॉज बहुत सारा काम पड़ा है जिसको मुझे कंप्लीट करना है, और वो तभी हो पाएगा जब मेरी हेल्थ थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएगी। सो बाय।